नमस्कार, नेचुरल योगा फिजियो फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे अश्व आसन। अश्व का अर्थ है घोड़ा। घोड़ा अपने कार्य से छूटकर केवल दोनों पैर एक दिशा में और गर्दन दूसरी दिशा में करके सारे दिन की थकान कुछ ही मिनटों में दूर करके ताजगी व शक्ति प्राप्त कर लेता है और फिर से कार्य में जुटने योग्य हो जाता है। इसीलिए इस आसन का नाम अश्व आसन या मरकट आसन है। तो आइए शुरू करते हैं। महत्व की दृष्टि से इस आसन को सभी आसनों का राजा कहा जाता है। महानगरों में रहने वालों के लिए तो यह संजीवनी सुधा है। अधिकांश परिवारों में फोम के गद्दे प्रयोग होते हैं, जिसके कारण गर्दन व रीढ़ संबंधी रोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इस आसन का प्रयोग करके रोगों को दूर किया जा सकता है। अश्व आसन के पहले विधि की अगर हम बात करें तो इसके लिए सबसे पहले आसन पर चित्त लेट जाएं, फिर दोनों हाथों को फैला लें, फिर पहले दाहिने पैर को मोड़ेंगे और बाएं साइड उसको ले आएंगे और सिर को विपरीत दिशा में मोड़ेंगे। फिर यही क्रिया दूसरी ओर से पहले बाएं पैर को मोड़कर दाहिने साइड ले जाएंगे और सिर को बाएं साइड घुमाएंगे। अश्व आसन के दूसरे विधि के लिए दोनों पैरों को मोड़ लेंगे, एड़ियों को नितंबों से लगा दें, पैरों के टखने, एड़ी व अंगूठे आपस में मिले रहें, फिर दोनों पैरों को बाईं तरफ तथा सिर को दाहिने तरफ ले जाएंगे, फिर पैरों को अश्व आसन के तीसरी विधि के लिए दाहिने पैर को उठाएंगे और बाएं हाथ से उसको पकड़ करके बाईं तरफ पूरा झुका देंगे। इसमें ध्यान रखेंगे पैर बिल्कुल सीधा रहेगा और सिर को दूसरी तरफ मूव करेंगे। फिर बाएं पैर को ऊपर करेंगे, दाहिने हाथ से पकड़ के दाईं तरफ झुकाएंगे और सिर को बाईं तरफ झुकाएंगे। अश्व आसन की चौथी क्रिया के लिए सबसे पहले बाएं पैर को थोड़ा सा मोड़ लेंगे, फिर बाएं पैर के ऊपर दाहिने पैर को मोड़ करके रखेंगे और फिर बाईं तरफ झुका देंगे और सिर को दाहिने तरफ मूव करेंगे। फिर इसी क्रिया को दूसरी ओर से करेंगे। सबसे पहले दाहिने पैर को थोड़ा सा मोड़ लेंगे, फिर बाएं पैर को दाहिने पैर के ऊपर रखेंगे और फिर पैरों को दाहिने तरफ झुकाएंगे तथा सिर को बाईं तरफ घुमाएंगे। इस आसन को करने से रक्त संचार तेज होता है। आलस्य और थकान के समय इसके करने से शीघ्र ही स्फूर्ति और शक्ति मिल जाती है। रात को करके सोने से नींद गहरी आती है। नित्य करने से टली हुई नाभि अपनी जगह पे आ जाती है। कमर टेढ़ी हो रही हो तो सीधी हो जाती है। कमर दर्द, रीढ़ की चोट तथा जकड़न में तो यह रामबाण है। इससे कमर दर्द की मांसपेशियों में लचक पैदा होता है, सौंदर्य को बढ़ाता है, पेट व हाथों को प्रभावित कर कब्ज को भी दूर करता है। इस आसन को 25 से 50 बार करने पर अन्य आसन की आवश्यकता नहीं रह जाती है।